आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि उनको इससे बचना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कौन सा अधिकार है कि हम किसी को आने और जाने से रोक सकें? कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ने की चीज आती है तो सरकार अपना कदम उठाती है और सरकार उस पर नियंत्रण पाने के लिए यथासंभव जो विधिक कार्रवाई है वो करती है, सरकार कर रही है। लेकिन किसी की पूजा को, किसी की अपने आस्था को हम कैसे रोकेंगे? निश्चित रूप में जो कार्यक्रम हैं सब शांतिपूर्वक अभी तक उनकी सूचनाएं हैं, और अगर कोई किसी प्रकार की कोई सूचना अन्यथा आती है तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। क्या आर्मी लगाई जाने की स्थिति है? आपको लगा जैसा कहा है कि आर्मी लगाई बुलाई जानी चाहिए? मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जनता की सरकार पर इस तरह प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। और लोग अपने शासनकाल को थोड़ा सा याद करें कि जब किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, और वो उस कार्यकाल को याद करने के बजाय जिस कार्यकाल में एक भी किसी प्रकार की विभिन्न धर्मों के बीच में वैमनस्यता की एक भी घटना बड़े मुश्किल से खोजने को मिलती है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप आशंका कैसे कर सकते हैं? 1.5 साल में आपने कहीं सांप्रदायिक दंगों का कोई उल्लेख आया है? मैं समझता हूँ शायद किसी भी रिपोर्टर के पास में कोई रिपोर्ट इस प्रकार की नहीं होगी, जैसे 1-1 साल में कुछ लोगों की जब सरकारें थीं कुछ विपक्षी दलों की। ठीक है, इसी पर रमन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर भारत समाचार के, उनके पास सीधे चलते हैं। अयोध्या में वो लगातार 2 दिन से बने हुए हैं। जो शिवसेना का ये आंदोलन है रमन जी, वो राम मंदिर के निर्माण के लिए है या फिर राम मंदिर को लेकर माहौल बनाने के लिए है? क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर